मैडम आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने क्या किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे छेड़ रहे हो लाइन में खड़े होके, तुम्हें शर्म नहीं आती लड़की को छेड़ते हुए? अरे मैडम ये लड़के ना होते ही ऐसे हैं। आपने बहुत अच्छा किया जो इसको मारा। इन लड़कों का इलाज ना ऐसे ही होना चाहिए। मैडम ये झूठ बोल रही है। तुम लाइन में इसीलिए लगते हो ना ताकि लड़कियां छेड़ सको। मैम ऐसे लड़कों को ना पुलिस के हवाले कर देना चाहिए ताकि इनके कल ठिकाने आ जाए। मैडम इनको पुलिस में नहीं, इनमें तो चप्पल उड़ानी चाहिए। चल पीछे आ जाते कहां कहां से। भैया मैंने नहीं छेड़ा उसे। मैडम आपने मुझे क्यों मारा? क्योंकि तूने भी मेरे साथ वही किया जो उसने किया था। मैडम मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ, मैंने वैसा नहीं किया। वाह बेटा वाह, माँ की कसम खाने से सब ठीक हो जाता है क्या? झूठ सच में बदल जाता है क्या? अरे तुम लोगों के लिए क्या अपनी माँ की इज्जत और क्या बहन की इज्जत? जब तुम दूसरों की बहनों की इज्जत नहीं कर सकते तो क्या अपनी बहन की इज्जत करते हो गए? भैया मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं छेड़ा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि पहले मुझे छेड़ो और फिर मेरा हाथ और पकड़ रखा है। मेरा हाथ छोड़, बदतमीज कहीं के। आपको मैंने नहीं, किसने छेड़ा है? अच्छा अब इस बॉक्स ने मुझे छेड़ा है। बॉक्स ने नहीं मैडम, नीचे देखो। अबे ओ बाहर निकल, कौन है? तेरा खेल खत्म हो गया। इधर आ, कौन है तू? मैं इस ऑफिस का पीएन हूँ। अबे तू इस बॉक्स में क्या कर रहा है? मैं यहाँ पे चाय पानी का काम करता हूँ। तू यहाँ चाय पानी देने का नहीं, लड़कियाँ छेड़ने का काम करता है। पता है तेरी वजह से कितनी परेशानी हुई इन लोगों को। और मैडम आप बिना देखे और बिना सोचे समझे किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। तुम्हारी एक गलती की वजह से इनकी जिंदगी खराब हो सकती थी। अच्छा तो इतनी देर से ये छेड़ रहा था और इल्जाम हमारे ऊपर आ रहा था। अरे इतनी देर से मैं ये सोच रही थी कि लाइन में लगे सारे लड़के मुझे छेड़ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बॉक्स के अंदर घुस के बैठा हुआ एक लड़का मुझे छेड़ रहा है। और मैं जब से इन बेचारे को बिना गलती के मारी जा रही थी। तुम्हें जब पता चलती जब तुम्हारी माया बहन के साथ कोई ऐसा करता। भैया मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी गलती माफी लायक नहीं है, तुम्हारा इलाज तो सिर्फ थाने में है। भैया इसे अच्छे से सबक सिखाना।